बिहार दिवस का प्रोग्राम 22 से लेकर 24 मार्च तक 3 दिन लगातार रहेगा, और इस बार क्योंकि लगभग 3 साल के अंतराल के बाद इस पैमाने पर इस स्केल पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। भारी मात्रा में पेविलियंस लग रहे हैं, विभिन्न विभागों के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हैं, पारितोषिक प्रोग्राम भी हैं, और आम नागरिकों के आकर्षण के लिए अन्य प्रोग्राम जैसे ड्रोन प्रोग्राम और अन्य शोज़ को भी यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। पूरा जो हमारा गांधी मैदान का एरिया है, जो पहले बाहर वाला एरिया सर्कुलेशन वाला एरिया, उसको अलग जोन में बांटा गया है, ट्रैफिक सर्कुलेशन स्मूथ रहे, जो लोग आ रहे हैं उनका एंट्री और निकासी स्मूथ रहे। तो जितना भी वेंडर्स हैं, बाहर ठेला वाले हैं, उन सभी को हम लोग हटा रहे हैं, उसको कम्प्लीटली हम लोग अपने सैनिटाइज कर देंगे, ताकि लोगों के सर्कुलेशन में और आवागमन में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। जो हमारा गांधी मैदान के अंदर का एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने स्थायी थाना खोल दिया है। यहाँ पे हमारा नियंत्रण कक्ष 24x7 काम करेगा, और पूरे मैदान को हम लोगों ने 4 जोन्स और जो हम लोगों का सांस्कृतिक प्रोग्राम और पेविलियंस वाला एरिया 6 सेक्टर्स में बांटा है। सभी जोन्स और सेक्टर्स में हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है, पर्याप्त फोर्स की प्रतिनियुक्ति है, पुरुष और महिला फोर्स दोनों की प्रतिनियुक्ति है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में रहेगी, उस वक्त हम लोगों का अलग से नया फोर्स आएगा, रिजर्व फोर्स आएगा, और जितना भी लोग हैं प्रॉपर फ्रिस्किंग करके DFM DHHMD के साथ चेकिंग करके उनको अंदर आने दिया जाएगा। और हम लोग सिविल में भी अंदर लोग रखेंगे, खास करके जो दीर्घा और पेविलियंस के अंदर लोग रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे फूड कोर्ट्स में फैमिलीज आते हैं या फिर जहाँ पे शॉपिंग वाले एरियाज है, वहाँ पे हम लोगों को महिला फोर्स भी हम लोग रखेंगे। 3 QRTs हम लोगों की रहेंगी जो मेन इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, और एक हम लोगों का रिजर्व यहीं पे नियंत्रण कक्ष में रहेगा कि किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति हो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। कोरोना को लेकर क्योंकि अभी आप देखते हैं कि सभी जो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी वो कर दिया गया है, तो अभी जो बेसिक मिनिमम है कि मास्क का हम लोग वो कराएंगे, लेकिन अब क्योंकि मास्क की गाइडलाइंस भी नहीं है, तो उस तरह से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हम लोग नहीं करवा रहे हैं, अलग से नहीं करवा रहे हैं। लगभग हम लोगों का यहाँ पे 450 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों का तैनाती रहेगा, गांधी मैदान के अंदर भी और बाहर वाले एरिया। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।